यहाँ मौजूद हैं पास्टर साहबान खुदा के गुदाम, इनके लिए मेरे पास एक जो मैसेज आया है, एक ऐसा SMS जो बाकरू ने मुझे कहा कि कह देना, वो ये है कि ईमानदार हालत जंग में रहता है लेकिन अब फतह का वक्त शुरू हो चुका है। और दूसरी बात जो अभी मैं महसूस कर रहा था वो ये कि ये इबादत जो आज की है ये मुझे दुनिया की सबसे बड़ी इबादत है। और इस वजह से महसूस हो रही है, ये हमारे इकट्ठे होने की वजह से नहीं, इसलिए बड़ी इबादत महसूस हो रही थी और है कि खुदा ही। मुझे याद आ रहा था वो मंजर जब अलीशा ने अपने नौकर के लिए दुआ की कि इसकी आंखें खुल जाएं, तो उसने आत्मशुद्ध देखे आंखें खुलने के बाद, तो मैं देख रहा था ये सारे गिरदोनवा आतशी रथ थे। तो जहां पर पाखरू हो, जहां पर यसु हो, जहां पर खुदा का तख्त हो, वो दुनिया की सबसे बड़ी इबादत होगी। इसके सिवा मैं तो किसी को नहीं देखता। अगर यसु है तो, अगर तख्त है तो उसका लगा। आज हम पाखरू के हवाले ही से सीखेंगे और इसमें जो मजमून है वो है मौजजात करता कौन है। क्या मजमून है? मौजजात करता कौन है। ये बड़ा जरूरी है इस दौर में इसको समझना, क्योंकि इस पर बड़ी जरब है, इस पे इतना इसकी मुखालफत में काम किया जा रहा है कि इसकी जद में ना सिर्फ पाकिस्तान, ना सिर्फ सऊदी अरेबिया बल्कि पूरी दुनिया है। लेकिन अगर ये वक्त शुरू हुआ चाहता है फतह का, तो फिर हमें आज से इसकी निशानी मिले कि हमें ये पता चल जाए कि पाखरू जो है ये मौजजे करता कौन है। मैंने जो सफात कुछ दिए उनमें एक हेडिंग है रूहुल कुद्स के नजूल पर बरकात की शुरुआत, जिसमें पहली जो बरकत लिखी है वो ये है कि ईमानदारों को कुव्वत मयस्सर है। अमाल पहला बाब उसकी 8वीं आयत में कि यहूदिया यरूशलेम, यहूदिया और सामरिया और जमीन की इंतहा तक गवाह होगे। यसु कह रहे मेरे गवाह होंगे। किसके? यसु के, बीमारियों के नहीं, यसु के गवाह हो। ये डिवर्जन है, बीमारियों की तरफ इसका रुख मोड़ दिया गया है। हरगिज बाइबल की तालीम ये नहीं है, बल्कि जब यसु ने जायर की बेटी को जिंदा किया तो जो अंदर साथ यसु के इनर सर्कल के शागिर्द थे उनको कहा ये कोई ना जाने। अच्छा शागिर्दों से जाए मौजजे के बारे में, मुर्दा जिंदा होने के बारे में कहा कि ये कोई ना जाने। इसका मतलब ये नहीं था कि यसु ये सबको कह रहे, वो खास अपने शागिर्दों को ये तालीम दे रहे कि मौजजात जो हो रहे हैं ये कौन सी मेरे लिए मुश्किल बात है। ये तो यसु का नाम ही चूंकि मौजजा है, तो जहां मौजजा होगा मौजूद तो वहां तो मौजजे होंगे। उसका नाम क्या है? अजीब मुशीर। तो अजीब जो नाम है उसका, ये लफ्ज अजाइब से है, अजाइब के मानी मौजजात के हैं और अजीब के मानी मौजजे के हैं, तो उसका नाम ही मौजजा है। अगर आप समुंदर में उतरे और कहें पानी बड़ा गीला है तो ये तो बड़ी अजीब बात है। तो इसी तरह यसु सिखा रहे, समझा रहे अपने शागिर्दों कि मैं तो मौजजा हूं, मैं तो उतरा हुआ हूं, वो मुनादी जो मैंने की वो करना। और यसु ने जो मुनादी की है अपनी 3 साल
खिदमत में वो मुनादी सिर्फ तोबा 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 की है। आसमान की बादशाही नजदीक आ गई और उसके बाद उसके सारे शागिर्दों को आप पढ़ लें, सब ने तोबा की मुनादी की है। आज तक ये एक बहुत बड़ा शागिर्द यीशु का पिछले सालों में आसमान पे गया है, जिससे हम सब वाकिफ हैं, डॉक्टर बिली ग्राहम। सारी जिंदगी उन्होंने तोबा पे मुनादी की, सारी जिंदगी तोबा पे मुनादी। उनकी इबादत में मौजजे हुए होंगे, ये हो ही नहीं सकता कि ना हुए, क्योंकि लिखा है ईमान लाने वालों के दरमियान मौजजे होंगे। तो ईमान, इतने लोग, हजारों हजार लोग ईमान लेकर आए, लेकिन मुनादी उनकी तोबा की। तो जो जितने हजारों हजार लोग ईमान लेके आए, लाखों लोग जो ईमान लेके आए, इसका मतलब है कि लाखों मौजजे भी हुए हो। तो फिर इसमें जो दूसरा पॉइंट है वो भी मैं पढ़े देता हूं। रूहुल कुद्स कलाम सुनाने में हमें दलेरी अता करता है। अमाल 4:31 आयत पढ़े तो वहां पे आपको मिलेगा कि रूहुल कुद्स कलाम सुनाने में हमें दलेरी अता करता है। रूहुल कुद्स के बगैर मुनादी करना नामुमकिन है। तौबा की मुनादी, मौत के खिलाफ मुनादी करना, पाताल के खिलाफ मुनादी करना, निजात की मुनादी करना, आसमान की मुनादी करना, सलीब की मुनादी करना, कफारे की मुनादी करना, लहू की मुनादी करना, बगैर रूहुल कुद्स के नामुमकिन है। ये निशानी है रूहुल कुद्स की कि रूहुल कुद्स निजात की मुनादी करेगा। रूहुल कुद्स मुनादी करेगा हमेशा की जिंदगी की। रूहुल कुद्स मुनादी करेगा जख्मों की, सलीब की मौत की, सलीब की मौत के बाद खाली कब्र की, कब्र के बाद मरकर जी उठने, ये आसमान तक की मुनादी रूहुल कुद्स करेगा। ये तालीम जो हमारे पास है अपनी, ये बुरी नहीं है, ये अच्छी है, लेकिन इसके ऊपर अगर रूहुल कुद्स की शाइनिंग आ जाए तो ये बाबरकत हो जाए। रूहुल कुद्स के बगैर नहीं, क्योंकि रूहुल कुद्स खुदा है, रूहुल कुद्स यीशु है। मैंने जो पर्चे दिए पिछले दिनों, उनमें एक हिस्सा ये भी है कि रूहुल कुद्स इलाह है, अलहुलियत का रूह है। उसमें बहुत से हवाले हैं। एक हवाला बड़ा मशहूर है कि हमें कहा गया है हम खुदा का मकदिस हैं। मकदिस अगर हैं हम तो आगे लिखा है और इसमें खुदा का रूह बसा हुआ है। ये जो खुदा का रूह है ये पाक रूह, और बसा क्या हुआ है हम में, खुदा का रूह यानी पाक रूह। और लिखा है ये उसके रहने की जगह है, तो रूह बसा हुआ है यानी खुदा का रूह ही खुदा है और यही पाक रूह है। तो ये जो तीसरा कनून है इसके बारे में जब हम आज गौर करेंगे जरा ध्यान की आंखों से, तो फिर देखेंगे मौजजे करता कौन है। लोग मौजजात के भी धोखे में पड़े हुए हैं। खुरूज की किताब में आपको इब्लीस भी मौजजे करता दिखाई देगा। अमाल की किताब में आपको जादूगर मौजजे करते दिखाई देंगे। मुकाशफा की किताब में आपको मुखालफ मसीह मौजजे करता दिखाई देगा। मुकाशफा 13:13 पढ़े, वहां पे लिखा है कि मुखालफ मसीह जो है वो आसमान से आग नाजिल कर देगा। आग नाजिल करवाएगा नहीं, कर देगा खुद। फिर एक बुत बनाएगा मटेरियल का, तो उस बुत में वो फूंकेगा और वो बुत बोलना शुरू कर देगा और फिर वो कहेगा इसको सिजदा करो। तो जो ये नहीं समझेंगे मौजजात करता कौन है, इसकी तरतीब को, वो फिर धोखा खा जाएंगे। वो कह गया
ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਪਾਦਰੀ ਆਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਡੇਗਦੇ ਹੀ ਰਹਿ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਆ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਡੇਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਡੇਗਣਾ ਨਹੀਂ। लिखा है जो पर्चे दिए उनमें एक टॉपिक ये भी है कि वो ना सिर्फ शख्सियत है रूहुल कुद्स बल्कि इखलाकी शख्सियत। अगर ये इखलाकी शख्सियत है तो इखलाक तो ये है गिरे हुओं को उठाना। तो बहुत से हवाले हैं उधर उसके इखलाक के बारे में, चले देखते हैं। मेरे साथ देखिए लूका, इसको कहा गया है कुवत का लिबास। पाखरू को उसके नामों में से जो एक नाम है उसके पाखरू के नए अहदनामा में 39 नाम है, कुवत का लिबास भी उसका एक नाम है। मैं आपके सामने इस हवाला को, बड़ा मशहूर है, आपने हजारों दफा पढ़ा होगा लेकिन दोहराना चाहता हूं। लिखा है और देखो जिसका मेरे बाप ने वादा किया है मैं उसको तुम पर नाजिल करूंगा, लेकिन जब तक आलमे बाला से तुमको कुवत का लिबास ना मिले इस शहर में ठहरे रहो। यानी बड़ा जरूरी है कुवत का लिबास मिलना, यानी वर्दी का मिलना, यूनिफॉर्म का मिलना। तो बड़ा आसान है इसको समझना भी। अगर कोई शख्स किसी भरी ट्रैफिक को रोकना चाहे तो वो हाथ करे, भरी ट्रैफिक यानी कोई भरा ट्रक 22 व्हीलर जो आ रहा हो, तेज आ रहा हो, उसको हाथ करे, वो नहीं रुकेगा। रुकेगा पता नहीं कौन है, लेकिन अगर वर्दी में मुलब्बस कोई अहलकार जिसके पास अथॉरिटी है वो अगर रोकेगा उसे, तो उसे रुकना होगा। तो जब कुव्वत का लिबास खुदा के खुदाम को मिल जाता है तो फिर इबलीस को रुकना पड़ता है, फिर इबलीस की ट्रैफिक, उसकी बदरूहें, उसका पताल उसके इशारे पर रुकना उसके लिए लाजिम है, नामुमकिन है कि वो आगे बढ़े। तो ये लिबास जो है इसका होना बड़ा जरूरी है। एक शख्स में आपको अभी उसके बारे में हम पढ़ते हैं सब, उसकी निशानदेही करना चाहता हूं। डर गया था, कुव्वत का लिबास नहीं था भी मिला, तो कहने लगा खुदावंद तुझे सारे छोड़ जाए, मैं नहीं छोड़ूंगा। तो यीशु ने उसे कहा था कि पतरस मुरग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। तो इसने कर दिया था। कौन सा मौजजा है जो इसने नहीं देखा? सारी तो मौजजे इसने देखे। जब यीशु पानियों पे चलता है तो कहता है अगर तू है तो मुझे फरमा कि मैं भी तेरी तरफ आऊं। तो यहां पे पतरस मौजूद है। पानियों पे चलना उसकी शोभदाबाजी नहीं थी, पानियों पे चलने के मानी है सारी कुदरत उसके कदमों के नीचे। वो कुदरत का खुदा है, वो कुदरत का मालिक है, वो कुदरत पर वर्जमान है, क्योंकि उसका नाम कादरे मुतलिक। अगर उसका नाम कादरे मुतलिक है तो वो ये सबूत दे रहा था कि सारी कुदरत मेरे कदमों तले है। तो फिर पतरस वहां मौजूद है, दीगर बाकी शागिर्द भी मौजूद थे। जब याइर की बेटी को जिंदा किया था वहां पे भी पतरस मौजूद है। जब लाजर को जिंदा किया गया पतरस मौजूद है। हर मौजजे में ये मौजूद है, सारे मौजजे सबने देखे हैं, सारे शागिर्दों ने, लेकिन पतरस एक ऐसा मौजजा है जिसमें सारे शागिर्द नहीं है। याइर की बेटी वाला, उसमें सिर्फ 3 लोग थे, तो उनमें इनर सर्कल में पतरस था, तो इसने उसको भी देखा। सारे मौजजे देखने के बावजूद इनकारी है, क्योंकि अभी कुव्वत का लिबास जो है वो नहीं मिला। उसके इनकारी होने की वजह कि कुव्वत का लिबास नहीं मिला। छोटा मौजजा नहीं है कि कोई गला सड़ा बदन ताजा हो जाए, ये छोटा मौजजा नहीं है कि 4
दिन का मुर्दा बाहर आ जाए, उसके हुक्म को दावे फरमानी लाता होगा। लेकिन जब वक्त आया, चूंकि कुव्वत का लिबास अभी ना मिला था तो इनकारी हो गया। तो जब कुव्वत का लिबास मिल गया, मेरे साथ देखते हैं फिर क्या हुआ है। अमाल की किताब देखते उसका दूसरा बाब, ये ईद पेंटिकोस्ट का दिन है। पहली आयत, जब ईद पेंटिकोस्ट का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थी कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबाने दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रोहलकुद से भर गए और गैर जुबाने बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। जब ये ताकत मिल गई, जब ये कुव्वत का लिबास नाजिल हो गया, तो उसके बाद कुछ वाक्यात हुए ऐसे जबरदस्त वाक्या के अगर उसको समझा जाए तो फिर अकल धंग रह जाएगी और खुशी से हम भर जाए, लेकिन समझा ना जाए तो फिर हैलेलुया के नारे मार उठे घर चले जाएंगे। लेकिन समझ अगर नहीं आई तो हैलेलुया तो कर गए, बल्कि बार बार कर गए हैलेलुया 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 हैलेलुया। बुरा नहीं, लेकिन इसका मिसयूज बड़ा बुरा है। हर बात पे हैलेलुया, हर बात पे हैलेलुया, ये रवैया बेसमझी का है, अकल का नहीं है। इसका रक्त बेसमझी से है। इसी जगह पे कराची में एक जगह है खुदा की बस्ती, वहां पे एक बड़ी इबादत, तो मुझे वहां पे मौका मिला जाने का, तो वहां पे पीछे बच्चे झगड़ पड़े, बड़े बच्चे थे 18-19 साल वाले, तो वो बड़ी बदकलामी कर रहे थे, तो किसी ने आके खबर दी पादरी साहब को, पाद साहब वो बच्चे लड़ पे रहे तो बड़ी बदकलामी कर रहे पता है हले नहीं। मैं रह नहीं सका, मैंने कहा पादरी साहब ये बड़ी बुरी बात, शर्म होनी चाहिए हमें, और हमें इस बात पे तकलीफ होनी चाहिए। अगर कोई कहे तो आप भी मना करें, कोई बात नहीं, हम एक दूसरे के लिए है। वो पंजाबी दी एक मिसाल है ना, सज्जा तो वे खबे हूं ते खपा तो वे सज्जे हूं। हम एक दूसरे के लिए है, एक दूसरे को समझाने के लिए। मत इस बात से झिझके कि ये क्या कहेगा। अब इसे कुव्वत का लिबास मिल चुका और चल पड़ा है मुनादी करने के लिए, निकल आया है, और योएल नबी का हवाला देकर इसने मुनादी शुरू की है, घर में जरूर पड़िएगा, और कहा कि ये वो वादा जो था नबी की मार्फत वो पूरा हुआ है कि आखिरी दिनों में हर फर्दो बशर पर, हर फर्दो बशर पर पाखरू नाजिल होगा। तो ये वादा पूरा हुआ है, 120 की जमात थी सारी की सारी पर ये लिबास उतरा है, ये कुव्वत उतरी है, पाखरू मिल गया है सब, क्योंकि ये पाखरू का दौर है। इसमें अगर किसी के पास नहीं है तो उसको मिल जाएगा। यीशु ने कहा है कि अगर तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो तुम्हारा आसमानी बाप पाखरू क्यों ना देगा। इससे हम समझते हैं कि पाखरू देना उसकी अपनी ख्वाहिश है, वो चाहता है कि हर एक के लिए ये नेमत, हर एक के लिए ये तोहफा दस्तयाब है, ये अथॉरिटी हर एक के लिए, ये किसी एक आद के लिए नहीं है, सब के लिए, और सब इसको हासिल कर सकते हैं। तो उसके लिए लाजिम है एक जगह पर जमा होना संजीदगी से, और जमा होगी। अगर आप नाच रहे हैं, मैं नाचने वालों से मुखातिब हूं, यहां पे नहीं, सबसे दुख होता है कि लोग नाचते हुए कहते हैं भाकरू आया हुआ है, नहीं, नाचते हुए
बेहूदगी करवाया होता है, गुमराही करवाया होता है। ऐसा रूह जो स्टेज के तकद्दुस को पामाल करे वो रूह आया होता है, मुखालफत का रूह है। दाऊद का हवाला मत दे, उसकी बगौर स्टडी करे। दाऊद नाचा नहीं था, अगर वो नाचा होता तो अपनी बीवी को आगे जाकर जब उसने कहा कि तू नाचा है तो उसने कहा, उसे बरकत देने के लिए आया था तो लानत थी, वो लड़े थे आपस तो लानत थी, और कहा उसे लानत देने के बाद जो कहा वो अमल में आया। लिखा है उस मरते दम तक बेऔलाद वो बांझ रही थी, गलत अंडरस्टैंडिंग की वजह से। बाइबल की गलत अंडरस्टैंडिंग हमें बांझ कर दे, हम पर लानत उतर आए। बरकत देना चाहता है दाऊद, घर आता है, लानत देना उसकी मजबूरी बन जाती है, क्योंकि वो कहती है कि आज इसराइल का बादशाह क्या बरहन्ना हो गया था, नाच रहा था। चूंकि वो नाच नहीं था रहा, वो इसराइल के कदूस के वो तख्त के सामने जो अहद के संदूक के गिर्द चक्कर काट रहा था और एक रिदम में झुककर ऊपर आ रहा था और पूरा चक्कर उसने काटा था, इसको बोलते हैं तवाफ, जो यहां पे कसरत से होता है, वो तवाफ कर रहा था। अगर आपने पढ़ रहे हैं ज़बूर 26 उसकी 6 आयत पर भी, वहां पे भी लिखा है, और जहां उसने चक्कर काटा उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ इब्रानी का कर्रार, और कर्रार के मानी तवाफ भी है, घूमने के, चक्कर लगाने के, हर साइड से सिजदा करने के। वो हरगिज नाचा नहीं था, तो यहां पर रोहन कुछ नहीं होता जहां पे डांस किया जाता है और तोमत लगाई जाती है कि दाऊद भी नाचा था। चले देखते हैं, जब इसने फाकरू से भरकर पतरस ने मुनादी की है, तो मुनादी का जो हासिल हुआ है वो देखते हैं। आखिर दूसरे बाब की आप देखिए 41 आयत से लिखा है, बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी रोज 3,000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए। कितने लोग? 3,000 आदमी सारे मिले हैं, तो इनकी बीवियां कितनी होंगी? एक एक भी लगाओ तो 3,000 हो गए, कितने हो गए टोटल? 6,000। बच्चे दो दो भी लाओ तो 6,000 हो गए, यानी कि एक ही मुनादी से 12,000 लोग ईमानदारों की जमात में शरीक हुए हैं, कम से कम। इससे ज्यादा भी हो सकता अगर बच्चे किसी के 4 है या 3 है या 5, लेकिन 12,000 तो हमें मिल रहे हैं पहली मुनादी से, जब पाकरू से भर कर मुनादी की है, उससे पहले ढला हुआ है, लेकिन जब दलेर हो गया, कुवत का लिबास मिल गया, तो फिर मुनादी की है, तौबा की मुनादी। जब आप पढ़ेंगे तो इसने ऐसी जबरदस्त मुनादी की है, लोगों से कहने लगा कि जिसको तुमने कत्ल किया है, जिसको तुमने मारा है, जिसको तुमने मसलूब किया है, वो अपने कहे के मुताबिक जी उठा है और हम सब उसके गवाह हैं। ये लिखते हैं, पढ़ लेते हैं, इसकी 32 आयत पढ़ते हैं, इसी यसू को खुदा ने जिलाया जिसके हम सब गवाह हैं। और यसू को जीता बताना उस दौर में, उस वक्त में जब ये कह रहे हैं, ये सजाए मौत का वक्त था, जो यसु को जीता बताता था उसको कत्ल किया जाता था, तो ये दलेरी से कह रहे हम 120 लोग गवाह हैं, तुम कहते हो कि उसके शागिर्द उसे चुरा के ले गए, लेकिन चुरा के नहीं ले गए, उसे खुदा ने जिंदा किया है, हम उससे मिले हैं, ये दलेरी उसी से है, ये पाखरू बोल रहा है, वो जी उठा है और हम सब उसके गवाह हैं। 120 की तरफ से तर्जुमा नहीं कर रहा है, दलेर हो चुका है। फिर एक और वाक्या, अगली मुनादी इसके बिल्कुल साथ ही, उस मुनादी में एक मौजजा भी हुआ है। मौजजे को समझना बड़ा जरूरी है, इसमें उसको समझा जाए, क्योंकि मजमून ही ये है कि मौजजात करता कौन है, मौजजात करता कौन है। चले पतरस की मेहरबानी, उसने बड़ी मोहब्बत से सिखाया है। लिखा है 3 बाब में,
पतरस और योहन्ना दुआ के वक्त यानी तीसरे पहर हैकल को जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे। अच्छा ऐसे वो जा रहे ठीक है, और एक लंगड़ा भी आ रहा है जो जन्म का लंगड़ा है और ला रहे हैं, जिसको हर रोज हैकल के उस दरवाजा पर बिठा देते थे जो खूबसूरत कहलाता है। एक ऐसा दरवाजा उसके लिए नॉमिनेट था, उसके लिए मुक्तस था, जिस पे उसे बैठना होता था, क्योंकि उस दौर में और आज भी यरूशलेम में मांगने वाला ड्रामा नहीं होगा। पाकिस्तान में बड़े मिलेंगे आप, वो नकली सा मेकअप करके इशारों पे मांग रहे होंगे, हाँ बच्चा चुप के उन्होंने उठाया होगा कोई इंजेक्शन बेहोशीदा या ऐसा इंजेक्शन जिन्हें नींद आए ते इशारे से मांगते होंगे बच्चा बहा दे। ये बड़ी खतरनाक हालत। तो ये वो दौर है जो यीशु का है और उस दौर में भी ये इतने कैलकुलेटेड लोग हैं कि मांगने वालों के लिए लाइसेंस का होना, मांगने वालों के लिए उनकी जगह का मुक्ते सोना, मांगने वालों की एक तरतीब थी, ये उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से हैकल की अप्रूवल के साथ जगह मुहैया की जाती थी या लाइसेंस जारी किया जाता था, स्टंप उन्हें दी जाती थी। जैसे अंधा था जिसने अपना कपड़ा फेंका था, वो आम कपड़ा नहीं था, वो स्टैंपेड कपड़ा गवर्नमेंट यानी कि तस्दीक शुदा है, ये वाकई ही फकीर है, ये वाकई ही मुताज है। ये उसमें बताया जाता था लाइसेंस का होना, सर्टिफिकेट का होना कि ये गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफाई है, हैकर ने इसकी तस्दीक की। तो लिहाजा ये खूबसूरत दरवाजे पर बैठा करता था ताकि हैकल में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और योहन्ना को हैकल में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। मांगना ही उसका काम था, मांगा है उसने। और पतरस और योहन्ना ने उस पर गौर से नजर की और पतरस ने कहा हमारी तरफ देख। वो उनसे कुछ मिलने की उम्मीद पर उनकी तरफ मुतवज्जे हुआ। पतरस ने कहा चांदी सोना मेरे पास है नहीं। आज ये मियार बना हुआ है जिस आदमी के पास बड़ी गाड़ी है, पाकिस्तान में ज्यादा उसको बड़ी इज्जत दी जाती है। नहीं, बड़ी गाड़ी वाले के पास अगर कलाम नहीं है तो वो खुदा के लिए इस धोखे से बचे। खड़ी गाड़ी जो है वो मियार नहीं है खुदा के खादिम होने, खुदा के खादिम होने का जो मैयार है वो सिर्फ और सिर्फ खुदा का कलाम है। अब ये कह रहे कि सोना चांदी नहीं है हमारे पास, हम मालदार नहीं है, हमारे पास करेंसी नहीं है, लेकिन जो है आसमानी दौलत वो दिए देते। और कहा मगर जो मेरे पास है वो तुझे दिए देता हूं, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसको उठाया और उसी दम उसके पांव और टखने मजबूत हो गए और वो कूद कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और खुदा की हमद करता हुआ उनके साथ हैकल में गया। इससे पहले कि आगे बढ़े इसकी जरा उम्र पढ़ ले, ये कितनी उम्र का था। अगर आप चौथे बाब की 22 आयत पढ़े लिखा है क्योंकि वो शख्स जिस पर ये शिफा देने का मौजूदा हुआ था 40 बरस से ज्यादा का था। यानी अगर 40 बरस से ज्यादा का था ये शख्स तो जब हैकर के दरवाजे पे इसे बिठाया होगा 10 साल का तो होगा, 15 साल का होगा, यानी इसे मुसलसल बैठते हुए 25 साल से ज्यादा हो गए। और किसी शख्स को आप 25-30 साल तक मुसलसल देखते रहे तो उसकी गैर मौजूदगी में शायद आप उसका स्केच बना रहे, आपकी आंखों में आपके जहन में उसकी शक्ल बस जाए। ये शख्स इतने अरसे से हर कोई इस शख्स से वाकिफ था, हर कोई इसे जानता था, ये लोगों की आंखों में बसा हुआ था इसका चेहरा। और आगे देखते हैं तो समझ आएगी कि इसको क्यों चुना गया ये मौजजा होने के लिए। और सब लोगों ने उसे चलते फिरते और खुदा की हमद करते देखकर
उसको पहचाना कि ये वही है जो हैकल के खूबसूरत दरवाजा पर बैठा भीख मांगा करता था। सब लोगों ने पहचान इस वजह से कि बड़े अरसे से जानते हैं। ऐसी है ना, समझ आ रही है ना? इस वजह से पहचान है कि एक अरसे से देख रहे थे। तो आपको जो मौजजे दिखाई दे रहे हैं ना, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, इनको आप नहीं जानते। कभी किसी ने उस शख्स के बारे में बताया कि मैं इसे जानता हूं? आपके दोस्तों में से किसी ने, आपसे, पाकिस्तान से किसी ने कहा कि मैं इसे जानता हूं जिसका मौजजा आप देख रहे हो टीवी पे? नहीं, कोई नहीं जानता। तो यहां पे क्या है, हर कोई इसे जानता है और ये बात पर्दा उठाएगी झूठ का और सच का। इसको हर कोई जानता है, ऐसे शख्स को चुना गया है। और आगे क्या लिखा है, और उस माजरे से जो उस पर वाकया हुआ था बहुत दंग और हैरान हुए। जब वो पतरस और योहन्ना को पकड़े हुए था तो सब लोग बहुत हैरान होकर उस बरामदा की तरफ जो सुलेमान का कहलाता है उनके पास दौड़े आए। पतरस ने ये देखकर के लोगों से कहा कि ऐ इसराइलियों, जब पतरस ने देखा ना, समझदार भी हो चुका था क्योंकि पाखरू जो है ये हिकमत का रू है, ये दनाई का रू है, ये सच्चाई का रू है। अब ये सच भी इसके अंदर उतरा हुआ है, ताकत भी इसके अंदर उतरी हुई है, कुवत का लिबास भी इसे मिला हुआ है और हिकमत और गुरदबारी से भी भरा हुआ है। और सब लोगों को जब इसने देखा कि मुतवजा हो रहे तो एकदम से फैसला कर गया कि ये मुलाकात का वक्त है, क्योंकि सारे अट्रैक्ट हो रहे हैं और उसे उस मौजजे की समझ भी आ गई कि ये मौजजा जो हुआ है किस वजह से हुआ है। समझना आए फिर भी बड़ा बुरा हाल है हमारा, समझना चाहिए किसने किया है, कहीं मुखालफे मसीह तो नहीं ये लगा गया शहद की उंगली। और हम बादशाह को फेवर देता है, आदम के पास आया तो क्या कहा, हरगिज ना मरोगे, तो ये कहना फेवर थी ना, फेवर दिया उसने, फिर अपना काम उसने भराया उसने। अगर वो कहता कि तुम मर जाओगे तो ये तो खुदा ने कहा था, वो कह ही नहीं सकता था, खुदा के कलाम की मुखालफत करना तो उसका काम है। तो यहां पर अब ये समझ गया है कि ये मौजजा क्यों है, आगे पढ़ेंगे तो समझ आएगी। जरा सुनते जाएं, अपने पास से क्या बात करें, बड़ा ही क्लियर है। उसने फिर अपने बहन भाइयों से मुखातिब हुआ, ऐ इसराइलियों, इस पर तुम क्यों ताजब करते हो और हमें क्यों इस तरह देख रहे हो कि गोया हमने अपनी कुदरत या दीनदारी से इस शख्स को चलता फिरता कर दिया। समझ आई जुमले की? क्यों इतने हैरान हो गए, क्या तुम ये समझ रहे हो कि हमने इसे अपनी कुदरत से चलता फिरता कर दिया? क्या तुम इस धोखे में हो? क्या तुम्हें यह धोखा सता रहा है? हैरान इसलिए हो रहे हो? ये नहीं है वो किसने दुआ की किसने शिफा दी, ये दुआ आसमान का सबसे बड़ा गुनाह है, सबसे पहला गुनाह है। इबलीस ने जो गुनाह किया था खुदा के बराबर बैठने का किया था। तो जब कहा जाए किसने दुआ की तो ये बराबरी है, किसने शिफा दी ये सच है, यीशु शिफा देता है। फिर किसने दुआ की जब नाम लिया जाए उसने, तो बराबर आ गया, जलाल बांटा गया। तो जलाल का बांटा जाना, शान का बांटा जाना, इज्जत का बांटा जाना, यही तो गुनाह इबलीस करना चाहता था कि वो साथ बैठना चाहता था और चाहता था कि नीचे इशारा करूंगा, प्रस्तिश होगी, जलाल खुदा भी पाएगा और मैं भी पाऊंगा। तो अगर कलीसिया में कोई मौजजा हो जाए तो पादरी साहब प्लान करते हैं रात को कि मैंने सुबह उठना है, सबसे पहले उसको फोन करना है, हाँ बाजी निदान, अच्छा भैन है इसका जरा इमोशनल होनी है तो पत्थे चढ़ जानी है, बाजी निदान यार इधर दाखला दे रोको, हाँ वो भी कह हाँ बाजी साहब शुक्र है, चल जा रहे हो ना, अच्छा लेट ना हो ना, छेती आना। वजह क्या है, स्टेज पे गवाही दिलवानी है, जब गवाही दिलवानी है
तो बहनवी दने जो कह रहे हैं वो उसके मुंह में पहले डाला गया है कि बताना कि मैं आया था घर तो मैंने दुआ की थी। तो बहनवी दा फिर स्टेज पे बेचारी वही कहेगी, पादरी साहब आए थे उन्होंने दुआ की तो फिर खुदा ने जो है ना बरकत दे दी। तो जलाल बांटा जा रहे हैं ना, खुदा ने बरकत दे दी, सच है। पादरी साहब का नाम साथ आना, ये वही फार्मूला है जो इबलीस ने सोचा था कि मैं भी जलाल पाऊंगा, और ये फार्मूला रात का ही चल रहा है दिमाग में। तो इस तरह जलाल का बांटा जाना, इज्जत का बांटा जाना, शान का बांटा जाना, ये गुनाह था आसमान का पहला गुनाह। और ये करने वाले, इसको दोहराने वाले, वही गुनाह उसकी रेपुटेशन में शरीक है, और ये उसी की तरफ से है। चले आगे बढ़ते हैं, कहते हैं इससे हैरान ना हो, तुम क्यों ये समझ रहे हो कि हमने क्या अपनी कुदरत या दीनदारी से इस शख्स को चलता फिरता कर दिया। आगे अब्राहम और इसहाक और याकूब के खुदा यानी हमारे बाप दादा के खुदा ने अपने खादिम यस्सु को जलाल दिया जिसे तुमने पकड़वा दिया। आ गया ना उस तरफ, जख्म देना शुरू हो गया। तुसी दे बड़ा लेता सी, वो जो कहंदा सी, वो जो तालीम देता सी, उन्हें मुखालफ सी तुसी, जिसे तुमने पकड़वा दिया। यहूदियों से बात कर रहे ना, हैकल में मौजूद लोगों से बात हो रही। तो वहां पे वो टीम मौजूद थी जो मसीह की मुखालिफ टीम थी, यानी सरदार का है काहिन भी वहां मौजूद है, और कह रहे हैं पतरस के जिसको तुमने पकड़वा दिया, ये अवाम को भी था और उनको भी था जिन्होंने उभारा था, कि कहना हमें बस सलीब दो सलीब, यसु को सिर्फ बराबा गुना छोड़ो, यसु को सलीब दो सलीब। ये किन्होंने उभारा था अवाम को? सरदार का, इन्होंने लीडरों ने, मुखालफीन थे वो, तो उनको अब कह रहे कि जिसे तुमने पकड़वा दिया और जब पहला तुझने उसे छोड़ देने का कसम किया तो तुमने उसके सामने उसका इनकार किया, तुमने उस कदूस और रास्तबाज का इनकार किया और दरख्वास्त की कि एक खूनी तुम्हारी खातिर छोड़ दिया जाए, मगर जिंदगी के मालिक को कत्ल किया जिसे खुदा ने मुर्दों में से। फिर अब आ रहा है उस गुवाही की तरफ भी, जो हुआ था माजरा। ये कह रहे थे सिपाहियों को दे दिए पैसे, अच्छा सिपाही हो उस वक्त फिर रिश्वत को सर, उनको पैसे दे दिए और कह दिया कि कह देना जब हम सो रहे थे तो यसु के शागिर्द उसकी लाश को चुरा के दी गए, पढ़े ना आपने भाई को। तो उन्होंने फिर यही कहा था, और हैकल की तरफ से, मुखालफीन की तरफ से, सलीब देने वालों की तरफ से, इस जमात, इस इकट्ठ की तरफ से जो मुनादी थी वो ये थी कि यसु के शागिर्द चुरा के ले गए। अब सच सामने आ गया और इस सच को बोलने वालों को कत्ल किया जाता था। तो ये जो सच बोलने वाला है अब हैकल में इस मौजजे को इस्तेमाल कर रहा है सच बोलने के लिए। मौजजा मुनादी के काम आता है। अगर नहीं ए लंगड़ा खुदा नु पसंद सी या इन्हें जो तरस आता सी तो 40 वर्ष तो पहले क्यों नहीं है? ये सब कुछ खुदावंत के जलाल, वो कुम्हार है, मट्टी नहीं उसे कह सकती कि मुझे प्याला क्यों बनाया या ग्लास क्यों बनाया, उसकी मर्जी है। और ये खुदा के जलाल के लिए था, इसकी मुसीबत, इसका लंगड़ापन, इसका अपाहज होना, इसका इस तकलीफ से गुजरना, इसका मुसीबत ज्यादा रहना खुदा के जलाल के लिए, इस समझ के लिए, इस गवाही के लिए था। चले आगे देखते हैं, आगे लिखा है इसके हम क्या है, इसके हम गवाह, इसके हम गवाह है। फिर गवाह बन गया, कोई डर ही नहीं है मौत का, कोई खौफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, यसु के जी उठने का गवाह बन गया है पतरस, ना अकेला पूरी जमात की तरफ से कह रहा है कि हम गवाह हैं कि वो जी उठा है, चुराया नहीं गया, उसे सिपाहियों के सोते में चुराया नहीं गया, वो खुदा की कुदरत से जी उठा है, वो कुदरत जिसे रूहुल कुद्स कहा जाता है। हम दुआ पढ़ते थे, वो
एक शायद उसका नाम तोबा का अमल है, तीसरे दिन मुर्दों में से किसकी कुदरत से, और वो रूहुल कुद्स की कुदरत से तीसरे दिन मुर्दों में से जी। तो रूहुल कुद्स की कुदरत जो है वो खुदा ही तो है, तो कह रहे हम सब उसके क्या हैं, गवाह हैं, उसी के नाम ने उस ईमान के वसीला से जो उसके नाम पर है इस शख्स को मजबूत किया जिसे तुम देखते और जानते हो। किसकी तरफ कह रहा है, किसने ये मुआजजा किया है, किसने ये काम किया है, यीशु की तरफ जलाल भेज रहा है ना। ये तो नहीं कह रहा कि हमने दुआ की है, साथ तो नहीं खड़ा हो रहा, यीशु को उतार दिया ना पीछे अपने आप को बस से, और जिस जगह पे यीशु है उस जगह पे इस काम करने वाले की गवाही को रख दिया जिस पे ये काम हुआ है कि इसको सही करने वाला, इस पर मुआजजा करने वाला हम नहीं है। और ये वो पतरस है जिसका साया मरीजों पे पड़ता था और वो मरीज ठीक हो जाते थे, वो ये कह रहे हैं कि ये हमारी इसमें कुदरत नहीं है, हमारी इसमें ताकत नहीं है, ये यीशु की वजह से हुआ है। और साए के पड़ने पे जो मरीज ठीक होते थे वो भी इसलिए होते थे कि वो यीशु जिसने ये काम किया है वही इनके अंदर था। साए के पड़ने से भी शिफा इसलिए थी कि रूहुल कुद्स उनके साथ था, तो रूहुल कुद्स ही यीशु है। तो ये मुनादी ये हो रही है कि उसने इसको ठीक किया, जिसको तुमने मार दिया था वो अपने कहे के मुताबिक जी उठा है, बेशक उसी ईमान ने जो उसके वसीला से है ये कामिल तंदुरुस्ती तुम सब के सामने उसे दी। हाँ, इस पे ईमान है, यीशु मसीह पर, उस ईमान वजह कोई पादरी नहीं है, कोई शख्स नहीं है, वजह ईमान है और मौजजा करने वाला यीशु है यानी पाक रूह है। तो आगे इस मुनादी के अहतमाम में मैं तो आपको जो थोड़ा सा हिस्सा लिया है, जब आप घर में पढ़ेंगे ना कोई 10 15 20 30 दफा तो बहुत सी बातें आप कि आपके आगे खुलेंगी, आप कहेंगे वो पादरी शफकत ने अभी नहीं पढ़ाया, पादरी शफकत ने अभी नहीं दसिया, माड़ा रह गया, मैनू समझ आ गई, तुसी अभी पढ़ाओ। ये कलाम है, इस पे किसी की ग्रिप नहीं है, ये ग्रिप में करता है, ये अपने कंट्रोल में करता है, और जिसको अपने कंट्रोल में कर लेता है वो मजबूर हो जाता है सच की मुनादी करने के लिए, दुनिया का सबसे बड़ा सच बयान करने के लिए। और दुनिया का सबसे बड़ा सच ये है कि वो मुर्दों में से जी उठा है, जिसके ये सब गवाह थे। और जब ये मुनादी खत्म हुई तो उसको पढ़ते हैं, लिखा है मगर कलाम के सुनने वालों, चौथे बाब की चौथी आयत से, मगर कलाम के सुनने वालों में से बतेरे ईमान लाए, यहां तक के मर्दों की तादाद 5,000। अब 5,000 बीवियां कितने हो गए, 10,000, वो तो भी बच्चे लाइए थे, 10,000 बच्चे, 20,000, पहली मुनादी में 12,000, दूसरी मुनादी में 20,000, टोटल कितने हो गए 32,000, और पहले कितने थे 120, टोटल जमात हो गई है 32,120। कितनी जमात होगी टोटल, ईमानदारों की जमात होगी है। और ये किसका काम है, पाक रूह से भर कर मुनादी करने का। और उससे पहले उन्होंने कहा ऐसा है हम क्या करें, तो पढ़ लेते हैं वो, जब वो लोगों से ये कह रहे थे, चौथे बाब की पहली आयत से पढ़ रहा हूं, तो कहन और हैकल नहीं, ये आपको मिलेगा, मैं स्किप कर गया हूं, इन्होंने पूछा था लोगों ने पत्रस से 29 आयत में ना, 19, अच्छा बस तोबा करो, नहीं ये पीछे थोड़ा, 18 आयत से, मगर जिन बातों कि खुदा ने सब नबियों की जुबानी पेशकर खबर दी थी कि उसका मसीह दुख उठाएगा वो उसने इसी तरह पूरी की, बस
तौबा करो और रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और इस तरह खुदावंद के हजूर से ताजगी के दिन आए। बुनादी किस चीज की हो रही है? मौजज़ा किस काम के लिए इस्तेमाल हुआ है? तौबा की मुनादी है, क्योंकि जलाल उधर दे दिया कि जिसने किया है उस पर ईमान लाओ। उसने किया है ये काम, हमारी ताकत से नहीं हुआ, हम नहीं है इस लायक, हम मैंने तो इनकार कर दिया था, मैं तो भाग गया था, और मेरे भागने से पहले जो 10 और थे, एक तो पकड़वाने वाला पहले निकल गया, पीछे 11 रह गए, तो 11 में से ये एक निकल गया जो पीछे गया, पीछे 10 रह गए, वो भी तो भाग गए थे। ये सारे भगौड़े थे कुव्वत का लिबास मिलने से पहले, लेकिन जब कुव्वत का लिबास मिल गया तो सारे पतरस के साथ खड़े इस बात पे मोहर कर रहे हैं कि हम सब इसके गवाह हैं। ये जो काम हुआ है ये वाकई जीव है, मुनादी हो रही है तौबा, मौजज़ा हुआ है, लेकिन करने वाला कौन है? उसकी तरफ उसका जलाल देखा जा रहा है। तो फिर तौबा की दावत दी, ऑल्टर कॉल दी कि तौबा करो, तो तौबा करने वाले कितने निकले? 5,000। चले बीवी बच्चों को छोड़ते हैं, 5,000 ये और 3,000 पहले, टोटल कितने हो गए? 8,000, यानी 8,120 लोग हो गए। तो जो 120 की जमात थी वो ईमानदार किसने जोड़े थे? ये 120 की जो जमात है इसको जमा करने वाला यस्यु है। और कितने सालों में ये हुआ है? 3.5 साल में। तो यसु की मुनादी में 120 जमा हो गए और पतरस की पहली मुनादी में 3,000 और दूसरी मुनादी में 5,000। तो ये वो काम है जिनके बारे में यूहन्ना भी इंजील में लिखा है। आए पीछे उसका 14 बाब देखते हैं, उसकी 12 आए लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर ईमान रखता है, कौन जो मुझ पर ईमान रखता है, यानी कि इसके लिए पादरी होने का लाइसेंस जरूरी नहीं है, ईमान रखना। यीशु कह रहा है मैं तुमसे सच सच कहता हूं, और ये जो दो दफा है ना सच सच, ये यहूदी टर्मिनोलॉजी में इसके मानी है कि जो मैं कह रहा हूं ये अटल है, जो मैं कह रहा हूं मैं इसका जिम्मेदार, ये सच है, इसके अलावा और काम हो सकता ही नहीं है, जो मैं कह रहा हूं इसके अलावा कोई और काम नहीं होगा, ये सच है और बड़ा हक है, ये अटल है, आसमान और जमीन टल जाए, लेकिन जो मैं कह रहा हूं ये गलत नहीं है, ये मैं सच कह रहा हूं। दो दफा सच सच कहने का यहूदी टर्मिनोलॉजी में इसके मानी है। तो जो यहां पर यीशु ने कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, इसका मतलब था कि जिस तरह हमारे दोस्त कहते हैं ना, वो मैं हल्फन कह रहा हूं, हल्फन यानी कसमन कह रहा हूं, तो उसको ज्यादा तरजीह दी जाती है। ये उस सिचुएशन से बहुत ऊपर की सिचुएशन है, यानी कि इतनी ताकत है इसमें यहूदी इलाकों में, यहूदी कल्चर में, कि जो बात दो दफा की जाए वो इल्हाम के करीब समझी जाती है। तो यीशु चुके इलाही तो था, तो वो ये कह रहे कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर ईमान रखता है ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, बल्कि इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूं। अच्छा, ये जो काम बात है ना, इनसे भी बड़े काम करेगा, इससे मुराद है जो काम मैं करता हूं इनसे ज्यादा काम करेगा। तो इसकी जो डिवर्जन है वो पादरियों ने और ओवर स्पिरिचुअल लोगों ने, या ऐसे लोग जिन्होंने अपनी चाय की दुकान बनाई हुई है मौजज़ात और शिफा को, उन्होंने इसको अपनी तरफ मोड़ा हुआ है और वो दावा करते हैं किसने दुआ है, क्योंकि वो बताना चाहते हैं कि हमारी दुआ से होता है। तो यहां पे तो लिखा ही नहीं है पादरी का, एक हमारा जिंदा वाक्य है लाहौर का,
एक भगत साहब थे, उन्होंने इसी आयत को पकड़ा और अपने दो शागिर्दों को कहते हैं, दो चेलों को आओ आज वो डाका में करिए, बाइबल च लिखा जेने मेरे मनन वाले ने मेरे खादम वो वड्डा काम करेंगे। तो वड्डा काम देखो दा की रेलवे फाटक ते जाके ना ट्रेन की पटरी दे विच खलो के कहंदा ट्रेन नू कि मैं तेनू यस्सू नां दे हुकम दे नाल रुक जा, फिर कहदा वड्डा काम। अच्छा उन्हें कोई रुकना थोड़ी सी, वो भजी आ रही है, हुण शागिर्द इधर भी एक चेला इधर भी एक चेला, जिवें जिवें लागे आ गई ते ओह पैर उखड़ने शुरू होए चेलिया दे, बहुत ही लागे आई चेले इधर ते इधर हो गए और रल गए। और ये जिंदा दुआ है, पुरानी नहीं है यार, इतनी पुरानी नहीं है, आपको उनके घर भी ले जा सकते हैं। मैं जानता हूं तो गलत अंडरस्टैंडिंग हमारे टुकड़े कर रही है, ये नहीं है इसका मतलब, इसका मतलब है बड़े काम से मुराद है ज्यादा काम। ये पत्रस ने जो किया है ये ज्यादा है ना 3.5 साल से, ये है। और इसमें भी पीछे कौन है? पत्रस बता रहा है, यसरी है, लेकिन इस्तेमाल आगे कौन हो रहा है नजर आने के लिए? पत्रस, नाम पत्रस का लगा है। इसमें भी इज्जत वो खुद ही दे रहा है, इसलिए कि हम उसका काम कर रहे हैं। जिसका काम करो वो आपको इज्जत भी दे और पैसे भी दे तो आप ज्यादा खुशी से काम करते हैं ना, यही मसला है। वो इज्जत भी देता है और बच्चे भी देता है, तो ये इज्जत है। अपने बच्चों को उसने दी कि मुझसे ज्यादा काम करेंगे। और इस गुमराही ने लाहौर में पाकिस्तान में इस कदर कब्जा किया, 3 वाक्या हैं इतने शर्मनाक। एक वाक्या बहु वाला, एक गांव है अब तो वो शहर की शक्ल ले चुका है एयरपोर्ट के पास, वहां पे मेरे दोस्त हैं हमीद फिरोज DSP, उन्होंने मुझे बताया उनकी गली का वाक्या। कहते हैं बाबा मर गया 84 साल का, तो उन्होंने पादरी साहब ने क्या लो लिखा बाइबल कि वो बड़े काम करेंगे, ऐसी जनाब है जिंदा करा दुआ कर ले। अब जो रिश्तेदार आए हुए थे उन्होंने कहा पादरी साहब जल्दी करो, बाबा खांडा मरिया दोतिया पोतिया वाला है तो सू दुफना दो घर आने लग पे रिश्तेदार इतना लुकी तकलीफ है साडा बुढ़ा जो चीन छे दुआ शुरू हो गई। दुआ होती रही, दूसरा दिन चढ़ गया, मुझे पता ही है यूट्यूब पे जाएगा तो मुझे आके वो पकड़ सकते हैं, मैं योहानाबाद 6 ब्लॉक सरोज मेडिकल सेंटर पे होता हूं। अच्छा तो वो दूसरा दिन चढ़ गया, पापा चूंकि बुरा था तो वो जो जिसम है बुरा होने की वजह से जल्दी खराब हो गया, बुआना शुरू हो गई। तो रिश्तेदार थोड़े से जज्बाती हुए, कहने लगे पादरी साहब छड़ दियो जान की पे कर दीजिए, नाइंज करो बाबे दी लाश खराब कर दे पैजे। उठ के कहंदा है एने ते जिंदा हो जाना सी तुसी नहीं आउंदे, बाबे दी लाश खराब कर के दफनाई। एने ते 3 वाक्या जी, एक फैसलाबाद, जिन जिन वाक्या तू मैं जानता हूं, एक फैसलाबाद में, एक फैसलाबाद में भी ऐसा हुआ। अभी मैं पिछले दिनों जद्दा था तो वहां की भी एक बात ऐसी भयानक की सुन के आया हूं। जो पादरी है चर्च की वो कहती है कि मुझे खुदा का रूप बता रहा है कि हमारे पासवान जिंदा हो जाएंगे, तो चलो हम दुआ करते हैं। तो वहां पे एक समझदार खातून थी, वो कहने लगी नहीं, हमने खुदा के इस काम को कबूल कर लिया है, ये भला चल गया है, ईमानदारों का आसमान की जा रहा। तो वो उधर ये काम इसने आगाज नहीं किया, वरना वहां पे भी ये काम हो जाता। खुदा के लिए ये समझे कि मौजदा तो कोई कर सकता ही नहीं है, और मौजदे के मानी है वो काम जो हो सकता ही नहीं उसका होना। तो मौजदे करने वाला जो है वो बापू है जो हम में ये इज्जत ये जलाल उसके लिए है, ये इंसानों के लिए नहीं है। हम तो खाक हैं, हमारी हैसियत कोई नहीं है। हाँ अगर मसीह हम में बसा हुआ है तो फिर जिस तरह पाखरू ने उसको जिंदा किया हमें भी जिंदा कर लेगा। फिर ईमानदार था जो मरना है, जिस दिन उसका मरना है जमीन पर उसका डेथ सर्टिफिकेट जारी होगा, लेकिन आसमान पर उसका
हमेशा की जिंदगी का बर्थडे हो। ये ईमानदार का तोहफा है। इसीलिए तो कहते हैं पालुस कि जीना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए लाभ। जीना मेरे लिए मसीह, यानी अगर मैं मसीह की तरह जीऊंगा, अगर मैं उसकी तरह उसके रवैये के साथ जिंदगी गुजारूंगा, अगर मैं उसकी तरह रहम दिल रहूंगा, अगर मैं उसकी तरह बर्दाश्त रखूंगा, अगर मैं उसकी तरह मोहब्बत से भरा रहूंगा, मेरा किरदार अगर उसकी तरह का होगा, अगर कोई मुझे गाली देगा तो मैं गाली ना दूंगा, अगर कोई मेरे मुंह पे थूकेगा तो मैं उसके मुंह पे नहीं थूकूंगा, मैं बरकत दूंगा, अगर कोई मेरी दाढ़ी नोचेगा तो मैं उसका जवाब नफरत से नहीं दूंगा, मैं अपनी मोहब्बत को अपने अंदर से जाया नहीं होने दूंगा, मैं मसीह की तस्वीर, मसीह की साथ का परताव, उसकी साथ का नक्श बनकर जिंदा रहूंगा, अगर तो फिर मरना मेरे लिए नफा होगा। नफा से मुराद है ना खत्म होने वाली जिंदगी, क्योंकि बिजनेसमैन जब बिजनेस करते हैं तो वो नफा जब आता है तो फिर जब अगले दिन आता है तो वो उगता नहीं जाते, पकड़ लेते हैं नफा, फिर जब अगले दिन फिर कहते हैं वेरी गुड, फिर जब अगले दिन आए फिर कहते हैं वेरी गुड, ये चलता ही रहता है, अगले महीने अगले साल पूरी जिंदगी गुजर गई नफा कमाते, तभी नहीं कहा आप नुकसान होना शुरू है। यानी नफा से मुराद है ना खत्म होने वाला सिलसिला। तो जीना मेरे लिए मसीह, अगर मैं मसीह की तरह जिंदगी गुजारूंगा तो मरना मेरे लिए क्या बन जाएगा, नफा बन जाएगा। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने पाखरू का लिबास मिलने पर उठाया है, ऐसे लोगों को जो जन्म के लग रहे, जिन्होंने ऐसे लोगों को उठाया जो उठ सकते ही नहीं थे, 40-40 साल से ज्यादा हो गए। ये उठाने वाले लोग पाखरू वाले, गिराने वाले लोग बदरू वाले। ये खुली सी मुनादी है, तो दलेर तो बदरस भी था, तो आप भी हो जाए मैं भी हो जाता हूं, हम सब हो जाते हैं। यसू का काम तो फिर ही होता, अगर मैसेज एक भेजा है यसू ने सुबह मेरे जरिए, वो ये कि कह दो रियाद के पास साहिबान से कि ईमानदार हालत जंग में है लेकिन अब फतह का वक्त आ रहा है। तो वो यही फतह है, पाखरू की मुनादी शुरू कर, पाखरू जो पाखरू का दौर है ये, अगर उसमें अगर आप इज्जत नहीं देंगे पाखरू को, तालीम नहीं देंगे लोगों को, तो फिर मरे जाएंगे ये लोग, आग का ईंधन बनते जाएंगे। ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। हिजकिय्याह की किताब में लिखा है कि अगर मैं तुझे भेजता हूं किसी गुनहगार के पास और तू नहीं उससे जाके कहता उसके गुनाह के बारे में, वो तो अपने गुनाह में मरता है लेकिन उसके मरने की बाज पुरस मैं तुझसे करूंगा। और अगर तू जाता है और उस गुनहगार को बताता है कि ये गुनाह है, ये गलत है, तो अगर वो बाज नहीं आता तो वो तो अपने गुनाह में मरेगा लेकिन तूने अपनी जान बचा। रियाद के पास्टर पूरी दुनिया में जहां जहां खुदा ले जाए अपनी जान बचाए, ये बताकर कि ये गुनाह है, पाखरू पे तो मत लगाओ, पाखरू का काम मौजज़े करना है इंसान का नहीं, पाखरू का काम उठाना है गिराना नहीं, पाखरू का काम सुलम करना नहीं है मोहब्बत करना है। और पाखरू के लिए जो सिंबल है फाखदा आई थी कबूतर आया, और ये इतना मासूम और इतना नाजुक इसकी तबीयत है, ये इतना हसास है ये परिंदा कि अगर ये दाना चुगता हो तो दाना चुगते चुगते अगर एक छोटा सा कंकर आ जाए चुगते वक्त दाना, तो ये उस खाने से नाराज हो जाता है। इतना हसास है, इतना नाजुक है, इतना नरम है इसका इसका बातिन, इसकी नेचर इतनी नाजुक है, इतनी प्यारी नेचर है इसकी, तो ये किसी को कैसे गिराए। हाँ लोग गिरेंगे लेकिन सिजदा करेंगे, सिजदे के रुख, सिजदा किस रुख किया जाता है आप तो देख सकते हैं, बहुत ज्यादा यहां पे सिजदों की भरमार है।
देख सकते हैं ना सिजदा किस रूप किया जाता है। तो जितनी भी बाइबल में आपको मिसालें मिलेंगी, जितने भी नबियों ने सिजदा किया, लिखा है औंधे मुंह गिर कर सिजदा किया खुदा के लिए, पाखरू के कामों को, पाखरू के कामों को उसकी शान के लिए इस्तेमाल करें। हम सब पाखरू की इज्जत है, हम सब पाखरू की मुनादी करेंगे और दलेरी से मना करेंगे ऐसे लोगों को जो गुमराही का सबब है। मैं आपके सामने कुछ चंद आयात सिर्फ पढ़ना चाहता हूं इस वास्ते के हिकमत की बातें YouTube के जरिए बहुत से लोगों तक पहुंच जाए। मेरे साथ देखिए योहन्ना का खत, पहला अंतर, सॉरी दूसरा खत, पहला बार और उसकी सातवीं आयत, यहां पे लिखा है क्योंकि बहुत से ऐसे गुमराह करने वाले दुनिया में निकल खड़े हुए हैं जो यीशु मसीह के मुजस्सम होकर आने का इकरार नहीं करते। गुमराह करने वाला और मुखालफ मसीह यही है, अपनी बाबत खबरदार रहो। ये योहन्ना अपनी कलीसिया फिक्र के दामन के तालीम दे रहे कि हमने जो मेहनत की, हमने जो कलाम सुनाया, वो कहीं तुम्हारे सबब से जाया ना हो जाए। यदि ऐसे लोगों की ना सुनना जो मसीह के कलाम की मुखालफत करते हैं। आगे गौर करें, बड़ी गौरतलब बातें हैं। लिखा है अपनी बाबत खबरदार रहो ताकि जो मेहनत हमने की है वो तुम्हारे सबब से जाया ना हो जाए बल्कि तुमको पूरा अजर मिले। जो कोई आगे बढ़ जाना चाहता है और मसीह की तालीम पर कायम नहीं रहता उसके पास खुदा नहीं, जो उस तालीम पर कायम रहता है उसके पास बाप भी है और बेटा भी। ये जो लफ्ज लिखे ना उसके पास खुदा नहीं, ये इसके यहां पे जो मुराद है वो पाखरू ही है। इसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल है उसके पास पाखरू नहीं है जो मसीह की बातों पर उसकी तालीम पर कायम नहीं रहता। फिर आगे लिखा है अगर कोई तुम्हारे पास आए और ये तालीम ना दे तो ना उसे घर में आने दो और ना सलाम करो, क्योंकि जो कोई ऐसे शख्स को सलाम करता है वो उसके पूरे कामों में शरीक होता है। अब अगर आप इस खुशखबरी से भर गए या सुनने वाले समझ गए तो फिर भी उन्हीं के फॉलोअर है तो फिर वो उनके बुरे कामों में शरीक है। फैसला करें हम कहां खड़े हैं, क्या हमें अबदी जिंदगी चाहिए, क्या हम भी चाहते हैं कि हम हमेशा की जिंदगी पाए या अबदी हलाक है। ये फैसला मेरा है, ये फैसला आपका है, ये फैसला आप सबका है। जो चाहते हैं अबदी जिंदगी वो खुदा के जिंदा कलाम को, खुदा के इस सच्चे कलाम को इज्जत दें। हम सब